तो हल्का सा लेफ्ट घूम के आते हैं कुन्नाव में, थोड़ा सा इस रोड पे घूम के आते हैं, कभी कभी जानवर इस पे भी दिख जाते हैं। बहुत पीसफुल रोड है, लास्ट में तो ये खराब रोड है लेकिन जहाँ तक अच्छी है, सीधी सीधी रोड है। तो भाई ये रोड देखो कितनी प्यारी, कितनी शांत, कोई भी दूसरा आदमी हमें यहाँ दिख नहीं रहा है और काफ़ी घना जंगल है। देखो मोर, मोर सामने। और एक बार मैंने नाइट सफारी करी थी तो भाई यहाँ पे ना इतने सांप और बिच्छू दिख रहे थे, जब तब मैं यूट्यूब पे नहीं भी कर पाया था रिकॉर्ड आप लोगों के लिए। लेकिन अब मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे, सब कुछ चीज़ दिखाऊँगा मैं। ये मेन बेराज रोड है जो चीला रोड है, उससे ये कुन्नाव के लिए रास्ता जा रहा है। तो भाई लोग ना सफारी कर रहे हैं और इनको तो कुछ दिखा है मतलब। हाँ ये वही वाले हैं, इनसे पूछते हैं। देखो ये रोक कह रहे, रोक लो। कोई हाथी है भाई साहब? हाथी। मैं कार की रूप से बाहर आ गया हूँ, देखो भाई कितनी शांति है। चलो निकलो। एक बार इनसे मुझे पूछना है, छाती वगैरह दिखाई दिया क्या? अच्छा मैंने कहा तुम देख रहे थे ना सब खड़े होके। चलो तो मैं उनसे पूछ रहा था जीप वालों से कि कुछ दिखाई दिया गया, कह रहे हमसे फोटो ले रहे हैं, कुछ ऐसा एज सच कुछ दिखाई नहीं दिया अभी तक। तो भाई ट्री हाउस के लिए कितना अच्छा पेड़ है ये, इतना गजब जंगल है भाई, मजा आ गया है। गाँव तो ऐसा हो, असली गाँव। कहाँ जा रहे हैं? गाँव में। गाँव जंगल में हम चलते जा रहे हैं। हम अभी फिलहाल हिली एरिया स्टार्ट हो गया है और धूप भी तेज हो गई है, खुल गया एरिया जंगल। ये देखो पूरा उस तरफ का एरिया दिखाई दे रहा है। ओहो हो हो, इसकी कमी थी, ले लो लेफ्ट हल्का सा, बहुत जगह इधर। तो भाई एक कार आ गई है तो थोड़ा साइड पर करनी पड़ रही है। पूरा राजाजी नेशनल पार्क है भाई, कितना घना जंगल है। कहा सभी कोई आए ना सामने से, भाई व्यू देखो पूरा, वो हरिद्वार है उस तरफ। ये पूरा पता क्या है, नेपाली फार्म से ना जो शुरुआती ऋषिकेश नहीं है, तो हरिद्वार से जाते हैं। ये जो रेतीला दिख रहा है ये तो यहाँ तो हम अभी गए थे, वहीं से आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ से हम अभी इन्हीं घने जंगलों से आए हैं, अभी इधर से कहीं से, इन्हीं घने जंगलों से। और वो कोडिया गाँव में वो दिख नहीं ना थोड़ा सा गाँव जहाँ से हमने स्टार्ट करी थी, वो है इधर चिल्ला है। हाँ बहुत खतरनाक भी है, देखो क्या व्यू दिखाया आप लोगों को, मजा आ गया। बहुत शांति है यहाँ पे, मेरा तो मन कर रहा है भाई लगा ले समाधि, यहीं लगा ले समाधि। तो भाई जहाँ पे हम जा रहे हैं उसको बोलते हैं किमसार, मैं कुन्नाव बोल रहा था, करेक्ट कर लेना। कुन्नाव नीचे की तरफ है, जहाँ पे बैराज एम्स है ना वहीं पे जो गाँव है गंगा किनारे, उसको कुन्नाव बोलते हैं। वहाँ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस कुन्नाव में आज वो भी दिखाया था आपको, इसको बोलते हैं किमसार। यहाँ पे भी बहुत सारे मतलब दो तीन रिजोर्ट थे, इन्वेस्ट किया था शायद V9 करके, उनका नीचे कोडिया गांव में भी है। लेकिन यहाँ पे पानी की कमी है मैंने सुना है इस एरिया में ना, तो रिजोर्ट इतने सक्सेसफुल नहीं हो पाते। बहुत लोग प्रॉपर्टी भी देखना चाहते हैं यहाँ पे लेकिन पानी की कमी होने के कारण तो छोड़ देते हैं। तो ऑलरेडी किमसार पहुँच चुके हैं और भाई यहाँ से व्यू आ रहा है उसी वैली का जिससे हम जाने की कोशिश कर रहे थे ना। तो इधर ही कहीं विंध्यवासिनी टेम्पल है जो कि यहाँ से दिख नहीं रहा, वो शायद नीचे होगा काफ़ी। ये कौन सा एरिया है? ये भी शायद जंगली रिजोर्ट। ओके ये वाइल्ड ब्रुक और जंगली रिजोर्ट इधर ही है। और यही पता, ये रास्ता ऊपर चल रहा है नीलकंठ में, नीलकंठ का टेम्पल इधर है कहीं इस पहाड़ के ऊपर है ना, इस पहाड़ के ऊपर। और इधर जिलमिल गुफा वगैरह, हमारा जो रूम है ना वो इस पहाड़ के इधर है नीचे, जो हमें दिखता नहीं है कि वो पहाड़ इधर ही है कहीं। ज़्यादा बिच्छू सांप इसमें ही रहते हैं। मणिकूट पर्वत गजब एरिया है भाई, गजब क्या सीनरी आ रही है। एंजॉय करो भाई आप लोगों, यहाँ पे किमसार पहुँचने वाले हैं, अगर कुछ मिला तो खाते हैं। तो भाई किमसार में देखते हैं अगर कोई दुकान होगी तो कुछ खा लेंगे, कुछ पहाड़ी फूड। मुझे लग रहा है अंदर से आवाज़ आ रही है कि मिल सकता है। ये देखो कोई रिजॉर्ट बना रहा है लकड़ी का दरवाज़ा। इस तरह की ज़मीन यहाँ पे बहुत अवेलेबल है, लोग आते हैं इन्वेस्ट करते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा सा पानी की कमी है तो देखभाल की ज़मीन लेनी पड़ती है। इस जगह की सबसे अच्छी खास बात बता रहा हूँ, यहाँ पे सनसेट बहुत अच्छा होता है और लगता है आज हम सनसेट देख के जाएंगे।
दिख जा रहा है ना सूरज नीचे, पहुंच गए किम सर। तो हमने यहाँ से ना सनसेट बहुत गजब दिखता है, मैंने संदीप को बोला हो सकता है हम सनसेट देख के जा सकते हैं, तो कह रहा है भाई पेट भर गया तो सनसेट देख लेंगे, मैं 100 की स्पीड से नीचे जाएंगे। भाई कैसा जंगल लग रहा है, जंगल बहुत घना जंगल है, बहुत रेयरली मिलता है ऐसा जंगल उत्तराखंड में, कहीं नहीं ऐसा जंगल। अरे व्यू खतरनाक है, या तो कॉर्बेट का जंगल है या फिर राजा जी का जंगल है, सिर्फ दो जंगल है। सुभाष के सब्सक्राइबर्स को ना यहाँ पर आके देखना पड़ेगा इस व्यू को, बस ये अलग ही चीज है, अलग ही लेवल है भाई। भाई मैं उत्तराखंड इतना घुमा हूँ, चार धाम घुमा हूँ, पंच केदार घुमा हूँ, हर की दुन गया हूँ, पर मैं बिलीव मी इस तरह का इतना घना जंगल कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, सिर्फ यहाँ है और कॉर्बेट में दो जगह है, या फिर वो काला डूंगी से नैनीताल वाली रोड नहीं है उसमें है, ये बहुत रेयरली रेयर जगह है, रेयर। एक अलग तरह की खुशबू भी आती है इसमें, यहाँ से सारा व्यू दिखाएंगे धीरे धीरे। देखो यहाँ से वो सूखी नदी भी आ रही है, पूरा गंगा जी आ रही है, हम कहाँ से आए कहाँ से नहीं सब बता देंगे। जैसे हमने एक टर्न लिया तो हमें राइट साइड के यमकेश्वर ब्लॉक के पूरे पहाड़ दिख चुके हैं, गजब लग रहा है भाई, कितने घने काले बादलों ने भाई पूरी छांव कर दी और पेड़ों को भी वो पहाड़ों को भी बिल्कुल काला बना दिया, टॉप पे धूप आई हुई है बाकी जगह छाँव, वो गांव वालों पूरे गांव पे छाँव आई हुई है, कह रहे आज बादल आए हुए हैं। तो भाई ये किमसार लिखा हुआ है, नौ लिख रहा है। अच्छा हो सकता है गांव आगे नौ हो, किमसार मेन गांव, पर यहां से शुरुआत है रिजोर्ट विजोर्ट की, इस पर नाइन लिखा हुआ है, जोनी भाई ठीक वो ठीक कह रहे थे, वहां से 12 होगा, पर यहाँ पे भी एक गाँव है। तो भाई इस बार ड्राइवर साइड व्यू आया है संदीप की तरफ और गजब व्यू है, तो अभी लग रही है भूख, व्यू देखेंगे बाद में, सबसे पहले मन को शांत करते हैं। कितना अच्छा आम का पेड़ है भाई, कितना अच्छा आम का पेड़ है, और ये भी सब घूमने आए हुए हैं, आरजे की स्कूटी ले रखी, राजस्थान से आए हैं, और ये देखो ये रिजोर्ट है, और ये पूरा रिजोर्ट है, एक ही प्रॉपर्टी है, शायद V9 बोलते हैं इसको, अभी दिख जाएगा अगर लिखा होगा तो, ये पूरा रिजोर्ट है, यहाँ से भी काफी अच्छा जंगल का व्यू आता है, और मेरे ख्याल से खुली हुई है प्रॉपर्टी। तो देखो भाई रूम वूम मेरे को दिखाने में इंटरेस्ट नहीं होता, कि रूम दिखाओ सब जगह एक से ही होते हैं, तो बाहर से देख लो प्रॉपर्टी। ये साइलेंसर वाला जनरेटर रखा हुआ है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राजा जी जंगल कुछ करके, पहला घर दिखाई दिया गाँव का, सब जगह इन्होंने धन्वंतरी आयुर्वेदिक सेंटर वालों ने वो कर रखे हैं एडवर्टाइजमेंट। भाई कितना पीस लग रहा है, लग रहा है कि कहीं गांव में आए हैं ना। इस तरह का गजब, ये मंदिर का गेट, कोई मंदिर होगा सामने, ऊपर बोरा बोरा बोरा। तो अभी कोई गांव वाला दिखेगा, पूछते हैं कि खाने का यहां पे कहां मिलेगा। अब हम ऐसी जगह पे हैं ना, तो यहां से वापस जा सकते हैं ना रुक सकते हैं, आगे चलना ही चलना पड़ेगा। और कल भी हमें इसी टाइम पे 5 बजे खाना मिला था भाई, देखो घर से बाहर ना खाने की दिक्कत होती है, ये तो पैक करा के चलो खाने का मिल जाएगा आगे। वो कौन सा किमसार में? अच्छा कांडा खाल में मिल जाएगा ना, दाल चावल वगैरह रोटी सब दे देंगे। अरे भाई साहब होते होते बस यही है ना काम का। ओके धन्यवाद धन्यवाद। चलो सेकंड बार आया हूँ, अच्छी परिचय दिया लोगों ने, काफी अच्छा लगा, पहली बार भी बिहेवियर अच्छा था इनका, पहली बार भी अच्छे आदमी मिले थे, यहाँ भी बहुत बढ़िया है, मतलब इज्जत करते हैं बाहर से कोई आता है तो कांडा खाल बोला है उन्होंने, है ना कांडा खाल, बस यहीं पे सामने गाँव है, यहाँ से ले लो राइट, सामने कितनी अच्छी सीनरी ब्यूटी आ रही है। ये गांव की पहली दुकान वेल, एक तो न्यू वी स्टार फास्ट फूड आ गया रविंदर स्वीट लस्सी, इसको पार करते हैं, वहां पे मुझे एंड फास्ट फूड सेंटर है जहां चूहा सा दिखाई दे, ये है नेगी स्वीट शॉप फास्ट फूड। तो कांडा खाल आ गए हैं, किमसार जाने की जरूरत नहीं पड़ी, किमसार 5-6 होगा यहां से, छोटा सा प्यारा सा मार्केट है, मैं पहले भी आया था भाई कम से कम 2 साल पहले। चलो भाई सबके देखते हैं क्या मिलता है, इधर से ही है ना, क्या कुछ है खाने का, दाल चावल वगैरह कुछ ऐसा कुछ? तो उन भैया ने बोला कि खाना तो नहीं है, बोल रहे अगर लस्सी वाले के बन टिक्की मिलेगी तो इसी पे देखते हैं क्या मिलेगा। फास्ट फूड उधर है, चाउमीन वगैरह, यहाँ पे गया स्वीट लस्सी 25, अरे वाह बनाना शेक 25, अरे ऋषिकेश से आके तो बहुत वहाँ पे होता है 125 ऋषिकेश में, मैंगो शेक 25, रेट ऐसे हैं कि भाई तीनों पी सकता है एक आदमी एक साथ, लस्सी 75 रुपये लगेंगे, समोसा 10,
वेज बर्गर 25, सैंडविच 25। चलो पर लेकिन भैया ने बोला कुछ नहीं है। भैया मिल जाएगा सब कुछ जो लिखा हुआ है। चलो पहले ये बताओ चप्पल लेके आ जाए उतार दें। चलो उतार ही दो जब साफ है तो। समोसे सिर्फ दो हैं तो सबसे पहले दो समोसे दो, चटनी वटनी जो भी है लाल हरी सब दे दो। तो भैया देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ है ये, मैं किस दिन पहनूंगा इसको। ये देखो 10 की माला। पहले ना जब शादी में हम जाते थे ना गाँव में तो बच्चे चुराने की कोशिश करते थे इसको। कौन कौन से आते हैं? आइडिया बोर्ड, आइडिया मेरे पास है, किसी को चाहिए तो हाँ अभी करता हूँ। तो भैया मैंगो शेक है? नहीं है, है सिर्फ लस्सी है। तो सिर्फ लस्सी कर दो, तीन तीन लस्सी करो। और ये बताओ बन टिक्की है? टिक्की तो बना दोगे? दो ही हो पाएंगे तो दो ही बना दो, दो ही बना दो। अच्छा लग रहा भाई साहब के, ये क्या चीज़ है? ऐसा लग रहा है चाशनी पड़ी हो। साफ सुथरी दुकान है, मैं अच्छी लगी, ऐसी दुकान चाहिए। तो भाई देखो 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 कैसा सही हो गया। समोसे भी दो मिल रहे हैं, बन टिक्की भी दो है, और लस्सी भी भाई साहब के दो है। लस्सी तो खैर हमने करवा ली तीन में, अब इसको भी तीन में कर देंगे। लस्सी भी आ चुकी है। तो भाई टिक्की दो है तो बन टिक्की भी, या तो बन टिक्की बनवा लो या बर्गर बनवा लो, एक ही चीज बन पाएगी। तो बर्गर ही बना दो। तो अच्छा हुआ लाइट आ गई है, लेकिन लाइट आने की हमें खुशी नहीं हुई, थोड़ी देर को खुशी हुई थी, लेकिन भाई साहब ने तुरंत बताया कि दूध नहीं है। तो दूध नहीं है तो शेक भी नहीं बन पाएगा। ये पत्ता कितना अच्छा लग रहा है मुझे, जिसपे इन्होंने वो रखे हुए थे समोसे, जैसा गांव में चाट बनाते हैं। अपने बर्गर आ चुके हैं भाई, मजा आ गया। भैया ने इतना अच्छा बर्गर, और मतलब इतना वो, मतलब ऋषिकेश में इतने ढकोचले होते हैं, 150-150 रुपए में देते हैं। भैया का सिर्फ 25 रुपए का बर्गर है। यहाँ पे बर्गर खा लिए हैं और अब बनवा रहे हैं ब्रेड पकौड़े। काफी प्यारी जगह है, काफी शांत। तो जहाँ पे हम सब ये खा रहे पी रहे हैं उसका दुकान का नाम है रविंद्र स्वीट लस्सी, तल्ला बनास, कांडा खाल। कभी आप आए तो इस तरफ, तो चिला रेंज की तरफ भी आए तो आप इधर कांडा खाल की तरफ आ सकते हैं पूछ के, और यहाँ पर लस्सी का सेक का मजा ले सकते हैं। तो आ गए हैं अपने ब्रेड पकौड़े। तो एक्चुअली भैया ना जो सेक बोल रहे कि घर से ही गाय का दूध लाते थे, आज ख़त्म हो गया, तो शायद पड़ोसी की दुकान से मिल्क ला के और फिर बना देंगे बनाना शेक। तो यहाँ पर अपना बनाना शेक भी आ गया है। कितने हो गए भाई साहब? 213। अच्छा 213, ठीक है। तो भाई यहाँ पे तो खाना पीना हो चुका है और अब हम वहीं पे जा रहे हैं जहाँ पे आम का पेड़ खड़ा है रिजोर्ट के बराबर में। भैया ने बोला वहाँ से सबसे सुपर व्यू आएगा सनसेट का, और अभी दिखाता हूँ कैसा माहौल हो रहा है यहाँ पे। ये देखो भाई रफ मोड एक्टिवेट कर दिया है संदीप ने, और ये देखो पूरा फोग आ रखा है चोटियों पे, जैसा लैंडोर की याद आ जाती है भाई। इसको पता क्या बोलते हैं? लंदन फोग। लंदन फोग बोलते हैं क्योंकि लंदन में बहुत फोग, लंदन का एनवायरनमेंट ऐसा रहता है ना, तो लंदन फोग। सनसेट अगर यही रहेगा तो सनसेट मुश्किल दिखेगा, तो मैं ज्यादा चल रहा हूं। तो भाई इसका ना टाइम लैप्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा, टाइम लैप्स देखना भाई आप लोगों, मजा आ जाएगा, गजब व्यू आ रहा है भाई। तो भाई एक आम दिखाए संदीप को, आम दो, और इसको आम की इतनी वो है ना, मतलब इसको कहीं दिख जाते हैं तो गाड़ी भी रोक के। संदीप की आंखें इतनी तेज हैं। नहीं वैसे पेड़ तो यहाँ पे बोरा पेड़, बोरा पेड़ कितने सारे आम है भाई। अबे कितने सारे आम है, आ जाए एक मारेंगे तो 10 निकलेंगे। कोई खड़ा है वहाँ पे, वो तो तोड़ रहे हैं अंकल, चल छोड़ो, अंकल खड़े हैं ना वहाँ पे, वो तोड़ने लग रहे हैं, ये इन्हीं के होंगे। चलो भाई उधर चलते हैं नीचे की तरफ इस रिजोर्ट के पास, और वहाँ से व्यू देखते हैं। तो ओ भाई क्या व्यू आ रहा है, फोर्ड वर्सेस फरारी है मूवी का नाम, फोर्ड वर्सेस फरारी। हाँ बस इधर ही खड़ी कर ले, सड़क पे निकल के बस। भाई संदीप को ना आम का इतना शौक है। अच्छा वो आम से एक नहीं बनाए, मतलब तो तुम मना नहीं करता। चलो बढ़िया, ऐसा रहा है कि बिल्कुल। हाँ कितनी शांति है यार, आम तोड़ ले सारे खत्म, गजब। तो बस थोड़ा पानी डालिए और इस पे ये ले, अब देखते हैं कैसा लगेगा। भाई लग तो रहा है मीठा ही लगेगा। तो ये जो रिजोर्ट है ना, ये जो रिजोर्ट है इसका एक कमरे ये है, यहाँ पे भी आप रुक सकते हो, और यहाँ से पूरा ये व्यू का मजे ले सकते हो, पूरा हरिद्वार, ऋषिकेश, नेपाली फार्म, देहरादून तक सब दिखाई दे रहा है यहाँ से, सब टोटल बहुत बेस्ट व्यू है। ऐसे व्यू बहुत कम आते हैं, लेकिन ये जो किमसार है ना यहाँ पर पानी की कमी है, इस वजह से ज़्यादा रिजोर्ट नहीं आए, ज़्यादा लोग इन्वेस्ट नहीं करा, और ये पूरा रिजोर्ट, रिजोर्ट की ही ये पूरी बाउंड्री है, वहाँ से ये पूरी बाउंड्री है इसकी। संदीप कैसा लगा आम? खट्टा है ना, तो यहाँ पे आम की कमी नहीं है, आम के पेड़ बहुत हैं। कैसा आ रहा है यहाँ से? इतना नहीं आ रहा क्या?
वो वाला पहाड़ अट गया ना थोड़ा सा, और वो देखो उस तरफ रिवर, मतलब सूरज की किरणें गंगा पे पड़ रही है और हमें दिख भी नहीं रहा, इतनी चोंद पड़ रही है ना। काले बादलों ने इस तरह से लैंटर की छत डाल दी है आसमान में, ऐसा लग रहा है ऊपर छत है और बस इतनी सी विंडो खुली हुई है, और उस तरफ से रिवर, ये पूरी रिवर गंगा है, कितनी चौड़ी है भाई। अभी दिखा देता हूँ यहाँ से क्या सिस्टम है। उस तरफ हरिद्वार दिख रहा है आपको, वो हरिद्वार है सारा, टोटल पूरा हरिद्वार है। ये नहीं, ये गंगा जा रही है वो आगे जो है, वो जो जहाँ धुआं धुआं सा दिख रहा है ना, ये टोटल हरिद्वार है, हर की पैड़ी इधर होगी। और ये देखो, ये देहरादून के लिए कटती है ना रोड, इधर नेपाली फॉर्म, ये छिद्दर वाला ये ऋषिकेश का इलाका, उस तरफ देहरादून है कहीं आगे की तरफ। बहुत ही बेस्ट फिनोमिना हो रहा है यार, गजब मजा आ गया। हम अभी इधर से ही निकल के आए हैं कोडिया गांव से, जहाँ वो ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है उससे, इधर भोगपुर तल्ला से इधर से ही वो वाली कैनाल रोड निकल रही है, जो ग्रीन ग्रास लैंड नहीं दिख रहा उससे इस तरफ से कैनाल रोड निकल रही है। सनसेट यहाँ से बहुत गजब दिखता है, हो सकता है दिखे हमें क्योंकि बादलों से नीचे आ जाएगा अभी थोड़ी देर में सनसेट। अभी मैं टाइम लैप्स बनाता हूँ यहाँ से। तो अभी हमने डिसाइड किया है ये जो रिजॉर्ट की, इसका नाम है राजा जी जंगल कासल। अब मेरे को ये नहीं पता, यहाँ पे दो रिजॉर्ट हैं, एक ही है, हो सकता है ये राजा जी जंगल कासल ये छोटा सा ही अलग रिजॉर्ट हो, बाकी वो सारे दूसरे रिजॉर्ट हो। और इसकी छत पे जाते हैं हम, यहाँ से छत पे जाने का रास्ता है और यहाँ से व्यू देखेंगे फिर पूरा। तो ये है भाई संदीप की कार, जिससे हम काफ़ी दिनों से घूम रहे हैं, टाटा हैरियर। चलिए चलते हैं, ऐसे रिजॉर्ट की छत पे कोई है नहीं वैसे, यहाँ पे यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है।